नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सब का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड सरकार की बड़ी घोषणा, रिटायरमेंट के बाद शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों को नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर। शिक्षा सचिव का आदेश, हर महीने लगेगी पेंशन अदालत, एक टेबल पर होगा समस्याओं का समाधान। शिक्षा विभाग से रिटायर होने वाले पदाधिकारी, शिक्षक, शिक्षकोत्तर कर्मी और अन्य कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट के बाद दफ्तर दर दफ्तर नहीं भटकना होगा। उनकी सारी समस्याओं का समाधान एक टेबल पर किया जाएगा। इसके लिए हर महीने की 15 तारीख को जिले में पेंशन अदालत लगाई जाएगी। इस संबंध शिक्षा सचिव के तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। झारखंड में दूसरे चरण में शुरू हो सकती है पहली से पांचवीं तक के कक्षाएं। झारखंड में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल अभी खुले हुए हैं। शिक्षा विभाग ने अन्य राज्यों का हवाला देते हुए वर्ग 1 से 8वीं तक के स्कूल खोलने का आग्रह सरकार से किया है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ये सभी कक्षाएं एक बार में नहीं शुरू की जाएंगी। पहले चरण में कक्षा 6 से 8 तक, इसके बाद दूसरे चरण में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल खोलने का निर्णय लिया जाएगा। झारखंड में इस बार दुर्गा पूजा पंडालों में जा सकेंगे श्रद्धालु। दुर्गा पूजा 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है, ऐसे में अब मात्र 23 दिन ही बाकी रह गया है। पूजा समितियां पंडाल निर्माण और सरकार की गाइडलाइंस को लेकर संशय में है। पूजा समितियों के आग्रह को देखते हुए सरकार अगले 1 या 2 दिनों में दुर्गा पूजा को लेकर फैसला कर सकती है। आप सबको बता देना चाहता हूँ कि कुछ शर्तों के साथ मिल सकती है अनुमति। इस बार पूजा पंडालों का निर्माण होगा, लेकिन उनके आकार प्रकार अपेक्षाकृत छोटे होंगे। पिछले साल पंडाल निर्माण पर सरकार ने रोक लगा रखी थी। इस बार पूजा पंडालों में इस बार पूजा समितियों के लोगों की संख्या बढ़ सकती है। श्रद्धालुओं को भी पाबंदियों के साथ प्रवेश करने की छूट मिल सकती है। आप सबको बता दूं कि पिछले साल पूजा समिति के 15 लोगों को ही पंडाल में रहने की अनुमति थी। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए वैक्सीन की दोनों डोज लेने का सर्टिफिकेट दिखाने पर पंडाल में घुसने की अनुमति मिल सकती है। मास्क भी जरूरी होगा। भीड़ ना बढ़े इसके लिए पूजा पंडालों में प्रतिमाओं के दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की भी व्यवस्था की जा सकती है। सरकार इस पर विशेष निर्देश दे सकती है। इस बार शर्तों के साथ लाइटिंग और सजावट की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन पिछले साल इस पर रोक लगी थी। इस बार तोरण द्वार और प्रवेश द्वार बनाए जा सकते हैं, लेकिन पिछली बार ऐसी सभी निर्माणों पर पाबंदी लगा दी गई थी। खबर है झारखंड के धनबाद से। 16 से शुरू होगा स्वच्छ भारत अभियान, प्लास्टिक मुक्त होंगे स्टेशन, प्रवेश द्वार भी चकाचक। हाथों में झाड़ू थामकर देश को स्वच्छ बनाने का अभियान एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। महात्मा गांधी के 192वें जन्मदिन को ध्यान में रखकर इसका आगाज होगा। रेलवे ने 16 सितंबर से स्वच्छ भारत अभियान का ऐलान कर दिया है। अलग अलग दिनों में अलग अलग जगहों पर अभियान चलेगा और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर इसका समापन होगा। इस बार रेलवे ने अपने बड़े स्टेशनों को प्लास्टिक मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही स्टेशन तक पहुँचने की राह को पैसेंजर फ्रेंडली और साफ सुथरा करने की तैयारी है। इसके लिए नोडल अफसर नियुक्त होंगे। रेलवे बोर्ड स्तर पर हर दिन मॉनिटरिंग भी होगी। खबर है झारखंड के धनबाद से। यात्री ऑटो के लिए नया रूट तय, चालक पहनेंगे वर्दी। उपायुक्त संदीप सिंह ने जिले के ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से यात्री ऑटो का रूट निर्धारित कर दिया है। नया रूट 20 सितंबर से प्रभावी हो जाएगा। सभी ऑटो के आगे पहला एवं अंतिम पड़ाव लिखना होगा। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा निर्गत यूनिक कोड स्पष्ट अक्षरों में आगे लिखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ऑटो चालकों को अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस और ऑटो के सभी कागजात हर समय रखने होंगे। गाड़ी चलाते समय चालकों को निर्धारित ड्रेस कोड में रहना होगा। उन्हें आसमानी रंग की शर्ट और काली फुल पैंट पहननी होगी। झारखंड कैबिनेट में 17 प्रस्ताव स्वीकृत, गिरिडीह बनेगा सोलर सिटी। झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई। इस बैठक में 17 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। गिरिडीह सोलर सिटी बनेगा। पारसनाथ पर्यटन स्थल होने के कारण गिरिडीह को सोलर सिटी बनाया जाएगा। सोलर सिटी बनने के बाद गिरिडीह जिले के लोग अपने घरों में बिजली से जुड़े कार्य के लिए सोलर पावर का उपयोग करेंगे। यह कार्य जरेडा द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। गिरिडीह में कुल 29,858 विद्युत कनेक्शन है। इनकी कुल क्षमता 41 मेगावाट है। दूसरी ओर रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर एवं बोकारो को दूसरे चरण में सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। झारखंड के हर प्रखंड में बनेगा मनरेगा पार्क, परिसंपत्तियों के सृजन के साथ रोजगार की भी गारंटी। झारखंड राज्य के प्रत्येक प्रखंड में मनरेगा पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क में मनरेगा के अंतर्गत संचालित होने वाली सभी योजनाओं का समावेश होगा। लगभग 30-40 एकड़ में यह पार्क न सिर्फ प्रखंड विशेष में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करेगा, बल्कि संबंधित प्रखंड में रोजगार मांगने वाले श्रमिकों को रोजगार की गारंटी भी सुनिश्चित करेगा। आप सबको बता देना चाहता हूं कि मनरेगा पार्क का प्रयोग करने वाला झारखंड पहला प्रदेश होगा।
झारखंड के सत्ताधारी दलों में शुरू हुआ शीत युद्ध, अपने अपने वोट बैंक को तोड़ने में जुटे कांग्रेस और झामुमो। झारखंड की सत्ता में काबिज झामुमो, कांग्रेस और राजद एकजुट होने का दावा तो कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इन दलों में शीत युद्ध शुरू हो गया है। साफ तौर पर कहा जाए तो झारखंड के सत्ताधारी दलों में खटास शुरू हो गया है। मामला नमाज कक्ष के लिए कमरा आवंटन का हो या नियुक्ति वर्ष का, या नियोजन नीति का हो या भाषाई विवाद का, लगातार कांग्रेस और झामुमो के बीच कलह मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा है। झारखंड में 24 में से 22 जिलों में 24 घंटे में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं। झारखंड वासियों के लिए यह राहत वाली खबर है। 24 घंटे में राज्य के 22 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। सिर्फ रांची और पूर्वी सिंहभूम में ही 6 संक्रमित पाए गए हैं। इनमें रांची में 5 और पूर्वी सिंहभूम में 1 संक्रमित मिला है। इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,48,079 हो गई। इधर अच्छी बात यह है कि राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। सक्रिय मरीजों की बात करें तो मंगलवार सुबह तक राज्य में 117 सक्रिय मरीज बचे हैं। इनमें से सबसे अधिक 74 राजधानी रांची में है। इसके अलावा धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में 9-9 है। राज्य के अन्य जिलों में या तो सक्रिय मरीज नहीं है या फिर बहुत ही कम संख्या में है। राज्य के 9 जिलों में एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। इन जिलों में दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, कोडरमा, पलामू, पाकुड़ और सिमडेगा शामिल है। झारखंड में 16 सितंबर तक होगी झमाझम बारिश, अलर्ट जारी। कई इलाकों में हो सकता है वज्रपात। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। इसके कारण राज्य में एक बार फिर से जमकर बारिश हो रही है। रांची स्थित भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने सोमवार को बताया कि अगले 2 दिनों तक रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान में गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। इसके लिए चेतावनी जारी की गई है। 16 सितंबर तक पूरे झारखंड में बारिश की संभावना बनी हुई है। झारखंड के धनबाद जिले में समय से पहले धान में आ गई बाली, किसान परेशान। जानिए क्या कहते हैं वैज्ञानिक। झारखंड में इस बार अच्छी बारिश हुई, किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। बारिश को देखते हुए उन्हें भी उम्मीद है कि उनकी फसल अच्छी होगी, पर धनबाद के बलियापुर के किसान अपनी धान की फसल को देखकर काफी परेशान है। इन किसानों से खरीफ फसल की रोपाई के लिए प्रखंड मुख्यालय से अनुदानित दर पर धान का बीज लिया था, पर किसान कह रहे हैं कि उन्हें गलत बीज दिया गया है। इसके कारण समय से पहले ही उनके खेत में धान की बाली निकल रही है। इस कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। धान की रोपाई करने के एक माह के अंदर ही पौधों में बाली आ गई। इस संबंध में किसानों का कहना है कि एक माह में ही पौधों में बाली आना अच्छा संकेत नहीं है, इससे किसानों को काफी नुकसान की संभावना है। किसानों ने जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन देकर क्षतिपूर्ति देने की मांग की है। वहीं प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय कुमार पासवान ने कहा है कि इस मामले में जिला कृषि पदाधिकारी को अवगत भी करा दिया गया है। इधर विज्ञानी का कहना है कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, कई धान कम अवधि वाली होती है इसलिए जल्दी बाली निकल जाती है। DRRS3 किस्म कम अवधि वाली होती है, इसलिए उसमें बाली आना चिंता की बात नहीं है। हाँ, IR64 में इतनी जल्दी बाली नहीं आती है, अगर जब आ गई है तो पैदावार भी होगी पर थोड़ी कम होगी। झारखंड में तसर उत्पादन को मिल रहा है बढ़ावा, आत्मनिर्भर बन रही है ग्रामीण महिला। झारखंड की जमीन और मौसम ऐसा है कि यहाँ पर लगभग हर चीज की खेती की जा सकती है। यहाँ घने जंगल भी है जिसका लाभ राज्य के किसानों को मिलता है। यहाँ के किसान लाह और तसर की खेती करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कई महिलाएं इस खेती से जुड़कर अच्छे पैसा भी कमा रही है और आत्मनिर्भर भी बन रही है। यह सभी ग्रामीण महिलाएं जिन्हें पहले महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया था, फिर उन्हें इसकी खेती के लिए प्रशिक्षण दिया। इसके बाद से महिला तसर की खेती कर रही है, प्रत्येक महीने 5,000 रुपये कमा रही है। इससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। झारखंड के किसानों की आमदनी सबसे कम, केवल 4,895 रुपये ही कमाते हैं प्रतिमाह। जाने कौन से राज्य है सबसे बेहतर। झारखंड के किसान परिवार की औसत आमदनी प्रतिमाह सिर्फ 4,895 रुपये ही है। सभी स्रोतों से प्राप्त किसान परिवार की इस कुल आमदनी में फसल से होने वाली आमदनी सिर्फ 1,102 रुपये शामिल है। साथ ही मजदूरी के 2,783 रुपये, लीज पर खेती से 24 रुपये, पशुधन से 827 रुपये और गैर कृषि कार्य से होने वाली 158 रुपये की आमदनी कुल आय में शामिल है। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसान परिवारों की औसत आमदनी में सबसे कम है। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के किसानों की आमदनी भी क्रमशः 2 गुनी और 2.5 गुनी है। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने किसानों के स्थिति पर जारी ताजा आंकड़ों में इसका उल्लेख किया है। पूरे देश में सबसे अधिक औसत मासिक आमदनी मेघालय के किसान परिवारों की है। मेघालय के किसान परिवार की औसत कुल आमदनी प्रतिमाह 29,348 रुपये है। इस मामले में पंजाब के किसान दूसरे और हरियाणा के किसान तीसरे नंबर पर है। पंजाब के किसान की कुल औसत आमदनी प्रतिमाह 26,701 रुपये, जबकि हरियाणा के किसान की कुल आमदनी प्रतिमाह औसतन 22,841 रुपये है।
मुख्यमंत्री से मांग, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों को करें बर्खास्त। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, जिसे हम लोग पासवा कहते हैं, पासवा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि सरकारी शिक्षकों के लिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य किया जाए और उनकी सेवा शर्तों में भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। पासवा ने मांग की है कि शिक्षक जिस स्कूल में पदस्थापित हो उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़े, अन्यथा उन्हें बर्खास्त किया जाए। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि पासवा की ओर से जिला अध्यक्षों और प्रखंड अधीक्षकों के माध्यम से अभिभावकों को जोड़कर उड़न दस्ता तैयार किया गया है। यह दस्ता शिक्षकों की पोल खोलने का काम करेगा। केंद्र फिर काटेगा, झारखंड सरकार के खाते से डीबीसी बकाया का 1100 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ने केंद्र से कटौती नहीं करने का आग्रह भी किया है। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि डीबीसी के बकाए के रूप में आरबीआई के माध्यम से राज्य सरकार के खाते से एक मुश्त राशि की कटौती ना करें। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार 1100 करोड़ रुपए की कटौती फिर कर सकता है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सोमवार को बातचीत में कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड में राजस्व संग्रह का काम कम हो गया है, जबकि केंद्र सरकार के पास राजस्व संग्रह के कई साधन है। राज्यों के पास सीमित संसाधनों के माध्यम से संग्रह हो पाता है। वहीं कोरोना काल में उद्योग धंधे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान से लेकर आम लोगों की भी मुश्किलें बढ़ी, इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। केंद्र सरकार फिलहाल बकाया वसूली के अपने निर्णय पर पूर्ण विचार कर रहे हैं। राज्य सरकार किस्तों में बकाया राशि के भुगतान को तैयार है और हर संभव बकाया राशि का भुगतान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक मुश्त राशि कटौती हो जाने से कई अन्य विकास योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ओला उबर कैब की तरह एक क्लिक पर आपके दरवाजे पर होगी एम्बुलेंस, झारखंड सरकार की बड़ी तैयारी। बीमार लोगों को अविलंब अस्पताल पहुंचाने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। झारखंड सरकार ओलो और उबर कैब एग्रीगेटर्स की तर्ज पर फ्री एप बेस्ड एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। कोरोना काल में एम्बुलेंस चालकों द्वारा जरूरतमंदों से अत्यधिक पैसा वसूलने की शिकायतों के बाद सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का मन बनाया है। इस प्रोजेक्ट को जीवन दूत 108 इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का नाम दिया गया है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।